कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, किस तरीके से क्या चीजें करूं। हमको लगा था पेट में पानी भर रहा है तो वो कम से कम सूख जाएगा, दवाई से सूख जाएगा या फिर इंजेक्शन से निकाल देंगे। अब चेस्ट में भी पानी भरना शुरू हो गया। नहीं नहीं खिंचाव हो रहा है, पीठ में और इस तरफ। तो राइट साइड में पापा का यहाँ पे छेद के पीछे साइड एकदम पीठ में यहाँ पे छेद करके पीठ से फिर पूरा पानी निकाले। और हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पता नहीं भगवान क्यों इतनी हमारी परीक्षा ले रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। पापा का मतलब पापा सांस नहीं ले पा रहे थे। फिर पापा को कल ऑक्सीजन लगा था, मतलब क्यों ऐसा हो रहा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कल सास मम्मी घर आके रो दी। मम्मी कल डर गई थी, सांस नहीं ले पा रहे थे, फिर पापा को ऑक्सीजन लगा रात भर। और अभी मैं आज पूरे दिन भर पार्सल वगैरह पैक की, मैं हॉस्पिटल जा ही नहीं पाई। अभी आई थिंक 7:30 बज रहा है, तो मैं अभी नहाई हूँ, मैं सुबह से नहाई भी नहीं। सुबह से पार्सल पैक करने में लगी हुई थी, पार्सल से पैक करके अभी नहा के भगवान को पूजा की हूँ। मैं पूजा करके अभी यहाँ पे बैठी हूँ और मैं भी पापा से मिलने जा रही हूँ। पापा का सोनोग्राफी हुआ है, मतलब बहन आज मम्मी घर में आई थी, मम्मी रात भर वहाँ रहती है हॉस्पिटल में, फिर बहन जाती है सुबह फिर मम्मी आती है। तो मम्मी घर में आई थी तो बहन ने फ़ोन किया मम्मी को कि मम्मी फटाफट आप हॉस्पिटल में 20,000 पे करना है क्योंकि पापा का भी सोनोग्राफी होगा, बहुत सारा टेस्ट होगा। तो मतलब पापा का कल सडनली सांस वास बंद हो गया था, तो सोनोग्राफी से पता चला कि पापा के छाती में अब पानी भर रहा है। पहले पापा के पेट में पानी भर रहा था, अब पापा के चेस्ट में पानी भर रहा है, जिस कारण से पापा सांस ही नहीं ले पा रहे थे कल। मतलब पेट में तो पानी भर ही रहा था, लेकिन अगर चेस्ट में इस तरीके से पानी भरता रहेगा फिर कोई भी सांस नहीं ले पाएगा, वो पूरा लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। फिर मम्मी जैसे तैसे करके फटाफट गई हॉस्पिटल, वहाँ पे पैसा वगैरह जमा की। फिर पापा को सोनोग्राफी हुआ तो पता चला कि पापा के चेस्ट में पूरा पानी भरा है। फिर जिस तरह से पेट में छेद करके पानी निकालते हैं तो चेस्ट में तो छेद नहीं कर सकते, तो पीठ में छेद करके चेस्ट का पूरा पानी पापा का निकाले। 2 लीटर के आसपास शायद पानी निकला, 2 लीटर से थोड़ा सा कम, इतना पानी चेस्ट में भर गया था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं कितना कोशिश करूं अपने आप को स्ट्रांग रखने की। मैं दिन भर घर में बैठी रहती हूँ, पूरा पार्सल पैक करती रहती हूँ, सारे दिखाती रहती हूँ कि कुछ तो आए। पापा से भी मिलने नहीं जा पाती हूँ मैं। मैं बोली मम्मी को मैं आ रही हूँ पापा से मिलने। मम्मी बोली तू आएगी तो तेरे को देख के पापा और नरम हो जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, किस तरीके से क्या चीजें करूं। हमको लगा था पेट में पानी भर रहा है तो वो कम से कम सूख जाएगा, दवाई से सूख जाएगा या फिर इंजेक्शन से निकाल देंगे। अब चेस्ट में भी पानी भरना शुरू हो गया। पापा के हाथ पैर में भी पूरा पानी भरा हुआ है, मतलब ये कलाई के यहाँ से इतना फूला है, पैर में भी पूरा फूला है, पूरा पानी भरा है। बस ये पूरा हड्डी हड्डी हो गया। भगवान सब ठीक कर दो, चेस्ट में पानी भरना सही बात नहीं है, पेट में भी नहीं है लेकिन चेस्ट में इस तरीके से पानी, चेस्ट में स्टार्ट हो गया पानी भरना। क्या करूँ, किस तरीके से क्या करूँ। मैं हर चीज कर रही हूँ अपने तरफ से, हर चीज मैं कर सकती हूँ। मैं अभी लेट नहीं करूंगी, रिशु सो रही है, उसको उठा के मैं निकलूंगी, उसको तो छोड़ के नहीं जा सकती मैं। मैं पूरे दिन में आज एक ही टाइम खाना खाई हूँ, एक टाइम मेरे को खाना खाने का टाइम ही नहीं मिला, ना नहाने का टाइम मिला। रिशु को खिला दी थी, अभी सारा काम खत्म के भी मैं, और आज तो और कल संडे है, आज मैं और पार्सल वगैरह पैक नहीं करूँगी। कल संडे है, कल वैसे पार्सल जाएगा भी नहीं। देखती हूँ मैं रिशु को उठाती हूँ, निकलती हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। रिशु रिशु ऐ रिशु रिशु उठो बेटा, आओ घूमने जाएंगे सब।
बोलूँगी ना हॉस्पिटल जाएंगे नाना से मिलने तो नहीं जाएगी। बच्चा उठो बेटा, रेशो ए रेशो फ्राइज खाओगे? फ्राइज हाँ चलो फ्राइज खाएंगे, आओ चलो उठो चलो। एक घंटा हो गया सो, एक घंटे से सो रही है और मैं जाती हूँ इसको लेके। ऑलरेडी बहुत चली, मैं इसको उठा के तैयार व्यार कर देती हूँ। मैं तो निकल रही हूँ, मैं दिखा बेटा उसको मैं मास्क पहना देती हूँ। हाँ बेटा बहुत देर हो गई है। चलो मम्मी का हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो मम्मी के हाथ पकड़ो। ये हॉस्पिटल है, थर्ड फ्लोर में जाना हम लोग। हाँ तो आ रहा आ रहा आ रहा अभी मैं पार्सल ही पैक कर रही थी। बहन नीचे सो रही है, मैं रिशु ऊपर है, मम्मी हॉस्पिटल में है। मम्मी जस्ट मुझे भी फ़ोन की थी 1 बजे, मम्मी का फ़ोन आया, मैं एकदम डर गई, बोली क्या हो गया करके, तो फ़ोन उठाई तो मम्मी बोली कि पापा सो रहे हैं। मतलब लगभग लगभग मान लीजिए आप 2 महीना बाद पापा आज थोड़ा सा सोए। पापा का चेस्ट, क्योंकि अगर हम सो रहे हैं छाती में अगर भारीपन लग रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो इंसान कैसे सोएगा। तो पापा का चेस्ट से पानी निकाले तो पापा को शायद हल्का फील हो रहा होगा, तो पापा आज सोए। मम्मी बोली मैं तेरे पापा का हाथ पैर दबा दे रही हूँ, वो सो रहे हैं। मैं बोली थैंक गॉड, क्योंकि पर पापा ऐसे आप लोगों को बताई थी ना, ऐसे बैठे बैठे ऐसे करके सोते थे, सीधा बेड में सर रख के सो ही नहीं पाते थे, दीवार में तकिए रख के ऐसे सोते थे। पापा का तकिया ऑर्डर की हूँ, परसों आ जाएगा। वो प्रेग्नेंट लड़लुंग जो लेते हैं ना सोते वक्त, वो वाला ऑर्डर की हूँ। मैं गई थी हॉस्पिटल, पापा से मिली, पापा से बात वगैरह की। जब मैं गई अंदर घुसी तो पापा के आँख में आंसू आ गया था मुझे देख के, और बोले बेटा बहुत दर्द हो रहा है। तो बोले देख मेरा पीठ, देख पीठ में, मतलब ये हमारा चेस्ट है ना, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पापा का ये पूरा पानी, मतलब ये पोर्शन पापा का पूरा पानी भरा हुआ था चेस्ट में, फेफड़ा में पूरा पानी भरा हुआ था, फुसफुस ही रहती है ना वहाँ पे, तो चेस्ट में तो छेद नहीं कर सकते पानी निकालने के लिए, कहाँ छेद करेंगे। इसलिए एग्जैक्टली पापा के राइट साइड में छेद किए, क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, तो राइट साइड में पापा का यहाँ पे छेद किए, पीछे साइड एकदम पीठ में यहाँ पे छेद करके पीठ से फिर पूरा पानी निकाले। और मम्मी वो निकालते हुए देख ली, मम्मी को चक्कर आ गया, मम्मी का बीपी लो हो गया, और चेस्ट में मतलब एक बोतल जो पानी रहता है, अब हम पीते हैं ना 1 लीटर का एक बोतल पानी, तो पापा का 2 लीटर पानी सिर्फ चेस्ट से निकला, और पानी का कलर पूरा रेड था, पूरा रेड। मम्मी बोली ऐसा लग रहा जैसे खून निकाले लाल कलर का, एकदम रेड। मम्मी बोली पेट का जो पानी निकालते हैं वो डार्क येलो ऑरेंज ऑरेंज कलर का रहता है, लेकिन छाती का पानी लाल लाल था। तो अभी हम लोग बहुत टेंशन में है कि पेट में तो पानी जम ही रहा था, मतलब अब छाती में भी पानी जम रहा है, क्योंकि पापा का जब मैं परसों यहाँ पे दबा रही थी ना, आप लोगों को बताई थी ना पापा का हाथ पैर दर्द है, मैं यहाँ दबा रही थी ना दोनों साइड में, तो मैं दबाते दबाते यहाँ यहाँ भी दबा रही थी, यहाँ तो यहाँ दबा रही हूँ ना, तो ऐसे मेरा उंगली से घुस जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हाँ पानी 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 पानी। मैंने कहा पापा आपका पूरा यहाँ पर हड्डी है, लेकिन यहाँ पे सब पानी पानी क्यों लग रहा है, मेरे अंदर में पानी भरा है चमड़े के अंदर में। और देखो फिर पकड़ा है कि पापा के चेस्ट में पानी है, और जैसे पीठ से पानी निकाले ना वो छेद करके, पापा का जो यहाँ का पानी, मतलब यहाँ का जो मसल्स था दोनों साइड जब फूला हुआ था, मैं अभी देखी तो वो लूज है, वो दबा मतलब फूला हुआ नहीं है, वो नॉर्मल हो गया, मतलब फिर वो पानी ही था। तो पापा के बॉडी में भी पानी जम रहा है,
और पानी क्यों जम रहा है, किस वजह से जम रहा है, बस ये हमको पता चल जाए। उफ सर दर्द दे रहा है, इतना टेंशन है ज़िंदगी में, इतना टेंशन है ना मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं एक के बाद एक लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान क्या हो रहा है। मैंने भगवान जी से बोला, भगवान जी मेरे में और शक्ति नहीं है, मैं और नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ कोई भी चीज़ें, अब बख्श दो, ख़त्म करो सब चीज़ें, और नहीं हो पा रहा मेरे से। आज मम्मी सोचो अभी 1 बजे मम्मी मेरे को फ़ोन की हॉस्पिटल से, मेरा कितना जी, मैंने फ़ोन आया ना मैं ऐसे उठाऊँ कि नहीं, मैं सोच रही थी, मेरे ऐसे हाथ कांप रहे थे कि मैं मतलब ऐसा कुछ ना सुनूं। मैं उठाई, मैं कुछ नहीं बोली, मम्मी बोली सोई क्या, मैं बोली नहीं मम्मी मैं कपड़ा का काम कर रही हूँ। तो मैं मम्मी बोली तेरे पापा सो रहे हैं, मैंने सोचो मम्मी को कितना सुकून मिला कि पापा 2 महीने बाद सो रहे हैं, वो बोलने के लिए मुझे फ़ोन की रात को 1 बजे, चीज़ें अच्छी हो जाए, दिवाली के पहले तक पापा को हॉस्पिटल से घर ले आए हम लोग। बैठी थी बहुत समय तक बैठी थी, पापा बोले देख ना मेरे पीठ में देख, मैं बोली नहीं पापा आप रेस्ट करो, मतलब पापा जैसे बैठे हैं ना तो पापा को जैसे आगे भी खिसकना है, तो पापा वो खुद अपने आप को लेके पापा आगे नहीं खिसक पाते, पापा को ऐसे पकड़ना पड़ता है, फिर पापा को पकड़ के उनको थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ रहा है। मैं गई थी तो फिर मुझे बोले मेरा गर्दन पकड़, मैं उठ के बैठूँगा, तो खुद से वो जोड़ नहीं लगा पा रहे बॉडी में, उनको पकड़ के ऐसे उठा के रखना पड़ रहा है, और एल्बुमिन तो पापा को चढ़ ही रहा है रोज, वीकनेस का दवाई है शायद वो। पापा को पूरी तरह से स्वस्थ कर दो भगवान। मैं दिन भर घर में रहती हूँ क्योंकि मैं चाह के भी नहीं जा सकती पापा के पास, मैं अगर पापा के पास रहूँगी आप लोगों को पता है रिशु मेरे को नहीं छोड़ती है, वो मेरे साथ जाएगी ही जाएगी, मेरे पीछे पीछे जाएगी ही जाएगी। तो और पापा तो पेशेंट ही है ना, और आसपास जितने लोग हैं सब अलग अलग बीमारी के पेशेंट है, तो बच्चे को हॉस्पिटल में रखना मतलब डेंजर से खाली नहीं है, जिस कारण से मैं रिशु को जाती हूँ मास्क पहना के लेके जाती हूँ, वैसे मैं उसको लेके आ जाती हूँ। और घर में काम है, पार्सल है, ये सब पैकिंग करना, ये निकलेगा, मैं यहाँ संभाल रही हूँ, मम्मी और बहन हॉस्पिटल जा रहे हैं। जैसे बहन सुबह नहा धहा के 9 बजे के अंदर पहुँच जाती है हॉस्पिटल, और रात को 9 बजे आती है, वो 12 घंटा पापा के पास रहती है। मम्मी आती है 12:30 बजे यहाँ पे, 12:30 से 2 तक मम्मी यहाँ रहती है, फिर मम्मी रात भर रहती है, फिर नेक्स्ट डे फिर मम्मी 12 बजे आती है, और मैं घर में रहती हूँ। तो टेंशन है, बुरा दर्द दे रहा है, बस पापा को पूरी तरह से स्वस्थ करके घर लाए हम लोग, बस भगवान जी बस। चलिए मैं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, सही बताओ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भी जाती हूँ भी सो जाती हूँ। मैंने कि जैसे मैं एंटर की ना, पापा मेरे को देखे, पापा का आँख में आंसू आ गया, बोले बेटा बहुत दर्द हो रहा है, वो आवाज़ ना, वो फेस मेरे ना ऐसा गूंज रहा है मेरे, एकदम श्रीदी हो ना श्रीदी में ऐसा बार बार आ रहा है वो सारी चीज़ें।